ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି। କିଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛି, ତ କିଏ ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଳି, ମୋତି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଜରି, ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ। ମାଳିରେ ମାଳିକୁ ଗୁନ୍ଥି ପୁଣି ସେଥିରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଲଗାଇ ରାକ୍ଷୀକୁ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମହାକାଳଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବନାଉଛନ୍ତି। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की एक परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन पुजारी परिवार करते आए हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिस पे राखी बांधना भाइयों को गुरु को बांधने की एक प्रथा होती है। तो ये मन में उत्साह बना रहता है पुजारी परिवार को कि कब रक्षाबंधन आएगी और कब भगवान महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिला राखी तैयार करेगी और भगवान को बांधेगी। ଏହି ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସହରର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପୂଜାରୀ ପରିବାରର ମହିଳା ବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାକାଳଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା। ସେମାନେ ବାବା ମହାକାଳଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ନଦାତା, ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁ ମହାକାଳଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4-5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। हमको इसको बनाने में हम रोज़ 4-5 घंटे लगते बनाने में और 4-5 दिन ही लगे इसको बनाने में। और हमने इसको कुंदन, मोरपंख और ये इस मोती से और फेविक्विक ये सब जरी वगैरह सब लगाकर इसको हमने तैयार किया है। और ये पहली राखी बाबा महाकाल को ही चढ़ेगी। और इस जो भी है हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, इष्ट है, जो भी है वो महाकाल बाबा ही है। रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को है। हम लोग राखी उनको बनाने में कम से कम 4-5 दिन लगे और मेरे घर की सारी महिलाएं हम 4-5 हैं, हमने सबने मिलकर इस राखी को बनाई। रोज बनाते बनाते हम 2-3 घंटे हम रोज बनाते जब जाकर ये आज कम्प्लीट हुई है। और राखी का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ये सभी महिलाएं इसका इंतजार करती हैं साल भर से बनाने। और भाई रक्षाबंधन का त्यौहार भाई के लिए भी बहुत कि भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हम सबसे पहले राखी बाबा महाकाल को बनाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ हो ही है हमारे। तो ये राखी हम सबसे पहले बाबा महाकाल को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। राखी पूर्णिमा दिन भस्म आरती समय रे पुजारी बाबा महाकाल को यही राखी पिंधाई थांती। ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ସେହି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ବୋଲି ପୂଜାରୀ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।